अल्लाह ताला हमसे एक सवाल करता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा, तुम्हारा क्या ख्याल है हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, जो मर्जी करते रहो, जैसे मर्जी जिंदगी गुजारो, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बला व रुसुलना लदैहिम यक्तुबून, जो कर रहे हो अल्लाह लिखवा रहा है। मा यल्फिज मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, जो जबान से बोलते हो वो फौरन कैच किया जा रहा है। इन अलैकुम लहाफिज़ीन, तुम्हारे ऊपर फरिश्ते मुकर्रर हैं, किरामन कातिबीन, उनका काम है, यालमून मा तफ़अलून, मैं जो करूं, जहां करूं, जिस वक्त करूं, वो से लिखते जाएं, लिखते जाएं। दो चिप लगा दी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कोई अच्छा काम होगा तो इधर वाला लिखेगा, कोई गलत होगा तो इधर वाला लिखेगा। और फिर अल्लाह ताला का इस कायनात पर कब्जा है, और इस सारी कायनात को अल्लाह ने अपनी ताकत से बनाया, ये जहान खुद ब खुद नहीं बना। इन रब्बकुमुल्लाह, इसका बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, मैं कौन हूँ, अल्लज़ी खलक़स समावात वल अर्द, मैं वो अल्लाह हूँ जिसने ज़मीन आसमान बनाए, फ़ी सित्तत अय्याम, उसमें छः दिन लगाए, तुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर इस्तवा किया, युग्शी लैल नहार, मैं वो अल्लाह हूँ जो रात को लाता है, दिन को लाता है, तो दिन को आगे चलाता है, रात को पीछे लाता है, यतलुबहु हसीसा, इनमें यह दौड़ चलती रहती है, अश्शम्स वल क़मर वन नजूम मुसख़्खरातिन बिअम्रे, सूरज चांद सितारे, हर शय उस अल्लाह ताला के कब्जा कुदरत में है। तो एक बहुत बड़ा तबका जो कहता है कि यह सब कुछ खुद ब खुद बन गया है, तो अल्लाह ताला उसको साफ करता है कि खुद ब खुद नहीं बना, बल्कि इसे अल्लाह ताला ने बनाया। कुल इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन वतजअलून लहु अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन, तुम किस अल्लाह का इनकार करते हो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को दो दिन में बनाया, इसका खौल, वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अरबअति अय्यामिन सवाअ लिस्सा'इलीन, फिर ज़मीन के अंदर क़यामत तक जितने इंसान आने वाले हैं उनकी ज़रूरतों के ख़जाने भर दिए, स्टोर कर दिया, हर चीज़ को अल्लाह ने स्टोर कर दिया। क़यामत कायम होगी और ज़मीन के ख़जानों का हज़ारवां हिस्सा भी इस्तेमाल ना होगा। अल्लाह इतना ने वाफिर ज़मीन के अंदर भरा, इसमें अल्लाह ने चार दिन लगाए, तो मस्तवा इला समा, फिर आसमान की तरफ इस्तवा किया, वही दुखान, आसमान एक धुआँ था, फ़काल अल्लाह, आसमानों से कहा, वलिल अर्द, ज़मीनों से कहा, ईतिया, आओ, तौअन औ करहन, जी चाहे या ना चाहे मेरे आगे झुको, कालता, जमीन आसमान बोले, अतैना ताइन, हम मान गए, हम मान गए, हम मान गए, फ़कदाहुन्न सबअ समावात, फिर अल्लाह ने सात आसमान बनाए, जैसे ज़मीनें बनाई ऐसे सात आसमान बनाए, फ़ी यौमैन, दो दिन इसमें लगाए, व औहा फ़ी कुल्ली समाइन अम्रहा, हर आसमान को अलग अलग हुक्म दिया और अपने हुक्म के साथ बांधा पकड़ा, यमसक अस्समावात वल अर्द अन तज़ूला, ज़मीन आसमान को अल्लाह ने रोका हुआ है, अल्लाह ने रोका हुआ है, अगर अल्लाह यूँ छोड़ दे तो सारी कायनात आपस में टकरा जाए, आपस में टकरा जाए सारी कायनात। ये अश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, सूरज को अपने, सूरज 6 लाख माइल फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है और ज़मीन से 12 लाख गुना बड़ा है, और इसमें टेम्परेचर 2.5 करोड़ सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर चलता है, और ये कोई ठोस चीज़ नहीं, गैसेस हैं, और हर सेकंड में उसमें हीलियम गैस फटती है और वो हाइड्रोजन में तब्दील होती है। एक सेकंड में जब वो धमाका होता है तो 50 करोड़ एटम बम के फटने के बराबर एनर्जी पैदा होती है, तो उसके अंदर इतने धमाके हो रहे हैं, फिर वो एक गैसेस हैं, और फिर उसके सामने सड़क कोई नहीं, उसका लीवर कोई नहीं, उसका ड्राइवर कोई नहीं है, और उसकी रफ्तार 6 लाख माइल फी घंटा है। अल्लाह कहता है मैं सीधा चला रहा हूं, कोई उसको चला सकता इतनी तेज रफ्तार, वल्कमर कद्दरनाहु मनाजिल,
चांद को उसके साथ चलाया, उसको घटाया बढ़ाया, हत्ता आद कल उर्जून القديم, एक टेढ़ी लकड़ी की तरह हुआ। लशम्स यंबगी लहा अन तुद्रिक القمر, सूरज चांद में टक्कर नहीं, वल्लैल सादिक النهار, दिन और रात में टक्कर नहीं है, इसलिए कि ये तेरे रब का बनाया हुआ निज़ाम है। वमा कान रब का नसिया, और तेरा रब भूल चूक से पाक है। वो जो करता है हक करता है, जो करता है सच करता है। जिसको रोकता है तो हक है, जिसको देता है तो हक है। वो मारता है तो हक है, और जिंदगी देता है तो हक है। उरूज लाता है तो हक है, जवाल लाता है तो हक है। तो अल्लाह कुरान में ये एक जहन बनाता है कि तुम बेकार नहीं पैदा हुए, तुम्हारे पीछे एक ताकतवर अल्लाह है जिसने सारी कायनात को काबू किया हुआ है। इसके ऊपर उसका निज़ाम चलता है, हुकूमत चलती है, सूरज चांद सितारों हवा, ये मेरा हाथ की ये हरकत भी मेरे रब की कसम मेरे अल्लाह से पूछ के है। मेरा अल्लाह रोक दे तो यह हाथ यहीं हो गए, हिल नहीं सकेगा। कितने लोग जो हाथ उठाना चाहते हैं नहीं उठा सकते, आंख खोलना चाहते हैं नहीं खोल सकते, बोलना चाहते हैं नहीं बोल सकते, चलना चाहते हैं नहीं चल सकते। जिसने चलाया उसी ने बिठाया, जिसने बढ़ाया उसी ने हटाया, जिसने जिंदगी दी उसी ने मौत दी, जिसने मौत दी है वही मौत के बाद जिंदा करने वाला है। ये इस सारी कायनात पर अल्लाह ताला अपने ताकत के साथ हुक्मरान है। उन्हें देख ली है, 97% कायनात में रोशनी नहीं अंधेरा है, लिहाजा उसका पता है कुछ नहीं। जो 3% है उसमें रोशनी है, उसमें सारा नहीं देखा, कुछ देखा है। जो देख लिया है गैलेक्सीज, उनमें सितारे, उनको गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नासा की रिपोर्ट है, सच है या झूठ है, लेकिन उनको झूठ बोलने की क्या जरूरत है। नासा वाले कहते हैं कि सिर्फ गिनती करने के लिए 3% में जो देखा है, सारा नहीं, जो देखा है उसको गिनती करने के लिए 3 ट्रिलियन साल की जरूरत है। 300 ट्रिलियन साल की जरूरत है, 300 खरब साल लगेंगे गिनती करने के लिए। पता चला कायनात कितनी बड़ी बनाई है, 7 आसमान कितने बड़े, 100 जमीनें, ये सारी गैलेक्सीज। अब एक हदीस में आता है कि